हेलो एवरीवन, तो सबसे पहले हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू इन एडवांस। तो कल राखी है और इसी स्पेशल डे के लिए मैं आप लोगों के लिए स्पेशल थाली लाई हूँ, जिसे बनाने में एग्जैक्टली आपको 25 से 30 मिनट ही लगेगा, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लगेगा। ये कुकिंग टाइमिंग है, आप ट्राई करके देख भी सकते हो। और यहाँ जो भी आइटम्स है, हर एक का फ्लेवर और टेस्ट बिल्कुल अलग है। ये थाली बहुत ही आसानी से बन जाती है और बहुत टेस्टफुल है हर एक आइटम। तो प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल मिस मत करिएगा, पूरा देखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो टाइम बचाने के लिए हम दो दो आइटम साथ में बनाएंगे। तो यहाँ पे राइट साइड में हम दम आलू बनाएंगे और लेफ्ट साइड में हम छोला बनाएंगे। तो सबसे पहले हम दोनों कढ़ाई में तेल डाल देंगे, ये सरसों का तेल है। तो एक टेबलस्पून करके हम दोनों कढ़ाई में डाल देंगे और इसको थोड़ा सा गर्म होने देंगे। तो तेल गर्म होने के बाद यहाँ दम आलू के लिए हम साबुत सूखा मिर्च और थोड़ा साबुत हम जीरा डाले हैं, साथ में हम तेज पत्ता भी डाल देंगे और थोड़ा सा बस हींग डालेंगे, इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। तो अब हम आलू डाल दिए हैं कढ़ाई में, ये पहले से बॉयल करके रखे थे और हल्का सा फ्राई करके रखे थे हम नमक और हल्दी के साथ, ताकि हमारा टाइम बच जाए। अब हम इसमें करीब एक टीस्पून अदरक का पेस्ट डाले हैं और ये आलू दम बिना लहसुन और प्याज के बनेगा और इसका टेस्ट बहुत ही अलग होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर और जीरा पाउडर डाल देंगे। ये हमने एक टेबलस्पून करके ले रखा था, हाफ हम इसमें डालेंगे और हाफ हम छोले में डालेंगे। और हाँ, हम सूखे मसाले के साथ थोड़ा नमक भी डाल दिए हैं इसमें। अब ये देखिए, ये जो पेस्ट है ये टमाटर का पेस्ट है। हमने दो टमाटर को बॉईल करके उसका पेस्ट बना लिए हैं और साथ में दो लाल मिर्च हमने यहाँ पर यूज़ किया है। तो सब मिला के हम पेस्ट बना लिए हैं, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इसमें। तो सब मिला लेंगे हम एक साथ। अब छोले के साइड में हम चॉप किए हुए प्याज को डाल देंगे, ये एक मीडियम साइज का प्याज है जो चॉप किया हुआ है। थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे हम प्याज को। अब इसमें हम थोड़ा सा चॉप किया हुआ टमाटर को डाल देंगे। और अब हम इसमें सूखे मसाले भी डाल देंगे, जो हाफ हम आलू दम के लिए लिए थे उसी का हाफ हम इसमें डाल देंगे और साथ में नमक भी डाल देंगे। अब सबको हम बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस के फ्लेम को लो से मीडियम तक रखिएगा। अब दूसरी ओर देखिए, दम आलू के मसालों से तेल छोड़ने लगा है, मतलब मसाला बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है। इसको और थोड़ा सा हम पकने देंगे और इस साइड में हम थोड़ा लहसुन का पेस्ट हम डालेंगे, ये करीब एक टीस्पून है, और थोड़ा अदरक पेस्ट भी हम डाल देंगे साथ में। ये अदरक पेस्ट है, ये भी एक टीस्पून है, इसको भी डाल दिए हम। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब दम आलू के साइड हम थोड़ा सा पानी का यूज करेंगे, जिससे दम आलू हमारा ग्रेवी टाइप का बने। अब इसको बहुत अच्छे से मिक्स करके हम थोड़ी देर के लिए ढक देंगे, करीब एक से दो मिनट के लिए हम ढक के रखेंगे, ताकि जो मसाला है वो आलू में अच्छे से चला जाए। और इस साइड अब हम छोला डाल देंगे, ये बॉयल किया हुआ छोला है, ये हम डाल दिए मसालों के साथ, अब मिक्स कर लेंगे। अब इसमें भी थोड़ा हम पानी डालेंगे, जिससे ये सूखा ना बने, ग्रेवी टाइप का बने। अब इसको थोड़ी देर के लिए हम ढक देंगे, करीब एक से दो मिनट के लिए। अब दम आलू हमारा लगभग बन के तैयार हो गया है। अब इसके बाद हम ऊपर से धनिया पत्ता डाल देंगे थोड़ा सा। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये दम आलू बहुत ही इजी वे में बन गया है और बहुत ही टेस्टी होता है खाने में, तो आप इसको ज़रूर बनाइएगा। अब हम गैस को बंद कर देंगे। देखिए, हमारा दम आलू बनके रेडी हो गया है। अब छोले के साइड हम करीब एक टीस्पून लाल मिर्च का पेस्ट डालेंगे, ये पेस्ट हम बना के थोड़ा सा फ्राई कर लिए थे तेल में। अब इन सबको छोले के साथ मिक्स कर लेंगे। अब लास्ट में हम इसमें छोला मसाला डाल देंगे, ये करीब एक टेबलस्पून छोला मसाला है।
अब इन सबको अच्छे से मिक्स करके हम गैस ऑफ कर देंगे तो हमारा छोला भी बन के रेडी हो गया है बहुत ही इजी वे में। अब हम पनीर बनाएंगे तो पनीर के लिए हम 1 टेबलस्पून व्हाइट ऑयल का यूज किए हैं। इसको थोड़ा सा गर्म होने देंगे। अब हम तेल में प्याज का पेस्ट डाल देंगे, ये करीब 1.5 टेबलस्पून प्याज का पेस्ट है। प्याज को पहले हम बॉयल करके उसका पेस्ट बना लिए थे ताकि हमारा टाइम थोड़ा बच जाए। अगर हम रॉ प्याज का पेस्ट देते तो वो थोड़ा रॉ स्मेल जाने में बहुत टाइम लगता। तो अब इसको थोड़ा सा हम फ्राई कर लेंगे और फ्राई करने के बाद हम टमाटो डाल देंगे। ये हाफ छोटे टमाटो का हाफ टमाटो को हम चॉप्ड करके रखे थे वो हम डाल दिए हैं। अब इन सबको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब इसके बाद हम ये सूखे मसाले डाल देंगे, ये सब 1 टीस्पून है, जिसमें जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर है और साथ में नमक भी है। तो इन सब मसालों को बहुत अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब इसके बाद हम थोड़ा सा अदरक का पेस्ट डालेंगे इसमें, करीब 1 टीस्पून, और थोड़ा हम लहसुन का भी पेस्ट यूज़ करेंगे, ये भी 1 टीस्पून है। तो इन सबको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब दूसरे साइड हम पीज राइस बनाएंगे, उसके लिए हम 1 टेबलस्पून घी डालेंगे कढ़ाई में। और ये कुछ साबुत मसाले हैं जिसमें लौंग, दालचीनी और इलायची है, सब 2-2 करके हम लिए हैं। इसको हम घी में डाल देंगे, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा राइस में। अब यहाँ पनीर के साइड पे देखिए, हम थोड़ा सा तिल का पेस्ट डालेंगे, करीब 1.5 टेबलस्पून हम तिल का पेस्ट डालेंगे। जो सफ़ेद तिल होता है उसका पेस्ट हम डाले हैं, अगर सफ़ेद तिल ना हो तो आप काजू का भी पेस्ट डाल सकते हो इसमें। तो अब हम सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और साथ में हम 1 टेबलस्पून दही डालेंगे। अब इन सबको अच्छे से मिक्स करके थोड़ा सा हम इसको पकाएंगे। अब इस साइड राइस के लिए हम घी में चॉप किए हुए प्याज को डाल देंगे, ये एक छोटे साइज का प्याज था, इसको थोड़ा सा हम हल्का फ्राई कर लेंगे, ज़्यादा फ्राई मत कीजिएगा इसको। अब इसमें हम बॉयल किया हुआ चावल और पीस को डाल देंगे। पीस को हम चावल के साथ ही बॉयल किए थे ताकि इसका कलर जो है ये फेड ना हो। तो अब इन सबको हम एक साथ मिक्स करके थोड़ा सा हम नमक डालेंगे। तो राइस को बॉयल करते टाइम भी आप नमक को डाल सकते हो पहले से ही। तो अब इन सबको हम मिक्स करके गैस को बंद कर देंगे तो हमारा पीस राइस बिल्कुल रेडी है। अब पनीर के साइड देखिए, मसाला बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है। अब हम पनीर क्यूब्स को मसालों में डाल देंगे और मसालों को पनीर के साथ मिक्स कर लेंगे। अब हम पनीर में थोड़ा सा पानी डालेंगे और सबको एक साथ मिक्स करके हम करीब 1 से 2 मिनट के लिए इसको ढक के रखेंगे ताकि जो मसाला है वो पनीर में बहुत अच्छे से जाए। अब 1-2 मिनट बाद हमारा पनीर लगभग रेडी है। तो अब हम थोड़ा सा कसूरी मेथी क्रश करके इसमें डाल देंगे, इससे तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा इसमें, बिल्कुल अलग फ्लेवर आता है। तो आप इस तरह से पनीर को बना सकते हो बहुत ही इजीली। तो हमारा पनीर भी बिल्कुल बनके रेडी हो गया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और पूरी बनाने के प्रोसेस में जाएंगे। तो पूरी बनाने के लिए हम तेल को गर्म करने दिए हैं और साथ में हम पूरी को बेल लेंगे। तो आप अगर हमारी रेसिपीज़ को पसंद कर रहे हो, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और हमें आप कमेंट पे बता भी सकते हो कि हम आगे आपके लिए कौन सी रेसिपीज़ लाएं। कोई भी सजेशन आप कर सकते हो, हम ज़रूर उसका फॉलो करेंगे। तो देखिए, ये हमारा पूरी बन के तैयार हो गया है। अब हम रायता बनाने के प्रोसेस में जाएंगे। तो रायता बनाने के लिए ये हमने दही में थोड़ा सा नमक, थोड़ा जीरा पाउडर, थोड़ा काला मिर्च पाउडर और थोड़ा सा हम ग्रीन चिली और धनिया पत्ता का यूज़ करेंगे और सबको एक साथ मिक्स कर लेंगे। तो देखिए, ये रायता भी बनके रेडी हो गया है। तो आज की ये स्पेशल थाली की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो के लिए एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट डे और एक न्यू रेसिपीज़ के साथ।